गुजरात में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के विकास पागल है कि वार से बीजेपी में इतनी खलबली मच गई कि सीएम विजय रूपाणी ने तो राहुल गांधी को चमगादड़ों का सरदार तक बता डाला। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या जुबानी जंग में एक सीएम को इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है? क्या बुनियादी मुद्दे खत्म हो गए हैं कि नेता अब एक दूसरे को जानवरों की संज्ञा देकर चुनावी जंग में उतर रहे हैं? गुजरात के जूनागढ़ में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस के विकास पागल है के जवाब में कहा कि राहुल गांधी चमगादड़ों के नेता जैसे हैं। जैसे चमगादड़ को प्रकाश में कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही राहुल को विकास नहीं दिखाई देता। सीएम साहब ने इसके लिए बाकायदा उदाहरण भी पेश किया। रूपाणी ने कहा कि एक बार चमगादड़ की एक सभा में उसके नेता ने पूछा, किसी ने सूरज देखा है, किसी ने प्रकाश देखा है, चमगादड़ को प्रकाश और सूरज कैसे दिख सकता है? ठीक उसी तरह राहुल गांधी अपनी सभा में पूछते हैं, किसी ने विकास देखा है? मैं तो बोलता हूं कि चश्मा निकालो और देखो राहुल बाबा, तो दिखेगा। इतना ही नहीं, सीएम रूपाणी ने तो पागल विकास के जवाब में पूरी कांग्रेस को ही पागल बता डाला। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में कोई एक दो नेता पागल नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी ही गुजरात में भावी हार को देखकर पगला गई है। बीजेपी को संबोधित करते करते सीएम इतना गुस्सा गए कि उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी कान खोल के सुन ले, विकास की बातें कांग्रेस के लिए मजाक होंगी लेकिन बीजेपी के लिए मिजाज है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।